बिहार में कृषि कार्य और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने बताया कि कृषि से जुड़े कार्यों में लॉकडाउन प्रभावी नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा और बचाव के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। विभाग के सचिव ने कहा कि मांस मछली और अंडे के दुकान को भी खोला जाना है। उन्होंने कहा कि मांस मछली और अंडे के सेवन से कोरोना नहीं फैलता है। इस बात की पुष्टि कई एजेंसियों ने भी की है। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैल रही है कि जिस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। कृषि विभाग के सचिव ने बताया कि कॉम्फ्रेड द्वारा संचालित सुधा के आउटलेट अब रात 8 बजे तक खुलेंगे। OIE कहते हैं, वो पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन। उन्होंने कहा चिकन खाने और कोरोना संक्रमण फैलने में कोई संबंध नहीं है। और चौथा है FSSAI, यानी इसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार के, तो उसका संगठन है, उसका भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, तो ये FSSAI कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि चिकन खाने से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है। अभी 5 अप्रैल को अभी FSSAI के चीफ हैं मिस्टर अय्यंगार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने कहा कि ये अंडा चिकन मटन मछली से कोरोना वायरस का कोई संबंध नहीं है। ये मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, साइंटिस्ट के द्वारा, जो मतलब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया। दूसरी तरफ साइंटिस्ट लोग ने ये भी कह रहे हैं कि जो भारतीय हम लोग खाना खाते हैं तो जनरली हम लोग पका के खाते हैं, जैसे अंडा हो, चिकन हो, मटन हो या मछली हो, पका के खाते हैं तो पकाने में जनरली 100 डिग्री से ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब यानी उसका बॉयल हो जाता है। और कोई भी हो, मतलब ये मतलब कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि मतलब किसी तरह की वायरस या किसी तरह की बैक्टीरिया, जैसे बर्ड फ्लू का भी बात बीच में आ रही है, तो बर्ड फ्लू हो या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म 70 डिग्री के टेम्परेचर में वो जीवित नहीं रह सकते हैं। 70 डिग्री सेंटीग्रेड में सभी तरह का ये कीटाणु है या मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सब मर जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा सरकार की ओर से कि ये अभी कोरोना वायरस संक्रमण की अवधि में, लॉकडाउन की स्थिति में भी अंडा चिकन मटन मछली खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित है। ये बेमतलब का कुछ व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में अनावश्यक रूप से कुछ भ्रांतियाँ फैलाया जा रहा है वो एकदम ही गलत है। उस पर कोई मतलब केयर नहीं किया जाए, उसको बिलीव नहीं किया जाए, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा है विश्व स्तरीय सबसे बड़ा संगठन है और भारत के सबसे बड़ा वो जो पोल्ट्री के क्षेत्र में संगठन है, भारत सरकार, ये सब लोग ने ये स्पष्ट रूप से कहा। यहाँ पर हमारे बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी है, उनके साइंटिस्ट लोगों के साथ भी मैंने मीटिंग किया है, उन लोगों के द्वारा भी स्पष्ट कहा गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड में सभी तरह का बैक्टीरिया वायरस ये मर जाता है। अब जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, उसी तरह का अंडा मीट मछली का दुकान खुला रहेगा, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सब लोग, ऐसा नहीं है कि भीड़ ना हो जाए वहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे के ये लोग खड़े रहें और उसी तरह का हो, ये हम लोग चाह रहे हैं। लेकिन कई जगह सूचना दी कि पुलिस भी कई जगह पर रोक रहा है मछली बाजार या, देखिए पुलिस इसलिए रोक रहे हैं कि एक तो है कि उन लोगों का इस पर छूट है, वो कुछ लोगों का अभी भी तक नहीं जानकारी नहीं हो रही, हम लोग लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है कि कहीं कहीं दुकान खुला है तो तुरंत भीड़ आ गया, तो भीड़ को रोकने के लिए मतलब इसको दुकान बंद करो करके, वो गलत है। हम लोग यहाँ पर DGP सर के ऑफिस से भी एक ऑर्डर निकला हुआ है, हमने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को हम डायरेक्शन दिए हुए हैं, इसको रोकना नहीं, इसको रेगुलेट करना है, क्योंकि रोकने से देखिए अंडा या मछली का मुर्गा का दुकान को बंद कर दिया, सबसे ज़्यादा ठीक है हम लोग तो नॉनवेज खाए बिना कई दिन रह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे किसान को, पशुपालकों का, मछली जो मत्स्य पालक है वो सबसे ज़्यादा उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनका मतलब उनका तो वही मतलब वो काम है, तो वो काम वो नहीं करने देंगे तो फिर दिक्कत होगा। जैसे बिना मतलब का कोरोना वायरस को चिकन के साथ जोड़ने से वो मतलब कितना भी लेयर फार्म है, ब्रॉयलर फार्म है, तो वो मतलब एकदम बड़ी नुकसान हो गया उन लोगों का, तो इसलिए मुझे ये वादी हो के हमने सोचा कि आज मतलब इतने लोगों को एक साथ तो नहीं बुलाना चाहिए, फिर भी मैंने बुलाया ताकि ये मैसेज क्लियरली आम जनता के बीच में जाएँ
और आम जनता किसी तरह का हेसिटेशन के बिना वो अपना जो रेगुलरली खाते हैं वो लोग अभी भी आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई मतलब नुकसान नहीं है। कि कुछ जगह पर ऐसा भ्रांतियाँ फैलाया जा रहा है वो बहुत गलत तरीके से, कि जो अभी कोरोना वायरस का संक्रमण को बिना मतलब का ये चिकन और अंडा के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। कहीं कहीं से वो व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ भी आ रहा है, लोगों के मन में भी ऐसा भ्रांतियाँ हैं। तो इस संबंध में मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से रखना चाह रहा हूँ, जो साइंटिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है तो उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। ये कोरोना वायरस को चिकन, मटन, मछली, अंडा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स है, वो कैरियर्स नहीं है इसका। तो इसको चार एजेंसी ने बताया, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक है भारतीय ये केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, वो भारत के जो पोल्ट्री में सबसे बड़ा संस्था है। तो उन्होंने कहा है कि भारतीय पोल्ट्री उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित है अभी इस समय में, ठीक है। और दूसरा, भारत सरकार ने भी, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा, पोल्ट्री उत्पादों को कोरोना संक्रमण फैलाने में शामिल नहीं पाया गया, ठीक है। और एक है विश्व स्तरीय संगठन है, वो OIE कहते हैं हम लोग, वो पशु स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा विशेष विश्व स्तरीय संगठन है। तो चिकन खाने और कोरोना संक्रमण फैलने में कोई संबंध नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा। या मछली के माध्यम से कोरोना वायरस फैलता नहीं, तो ये इसी को मैं कहने के उद्देश्य, थोड़ा लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में क्योंकि दुकान वगैरह तुरंत बंद हो गया था, उस कारण से स्कैर्सिटी हुआ है, खासकर शहरी क्षेत्र में कुछ इस तरह का समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको भी हम लोग ने अभी थोड़ा सा धीरे धीरे रेगुलेट हो गया है, क्योंकि वो दुकान वगैरह खुलने लगा, जो फैक्ट्री है वो भी खुलने लगा, जो काट के बेचते हैं जैसे बताया गया नालंदा में भी है ऐसा, तो इसलिए अभी कोई ऐसा समस्या नहीं है। हम लोग जो ऐसे ही मतलब सड़क पर कुछ पशुओं है वो टाउन एरियाज में, ऐसे पशुओं का जो मतलब हेल्पलेस है, वो कहीं भी ऐसे ही घूमते रहता है, ऐसे पशुओं का कहाँ यथासंभव गौशाला में पहुंचाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ऐसे पशुओं को भी हम लोग हर ज़िले में, पटना, गया और लगभग सभी ज़िलों में हम लोगों ने शुरू कर दिया है, ऐसे पशुओं को भी हम लोग पशु चारा मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार के द्वारा वो जो अधिप्राप्ति का टाइम को भी तो बढ़ा दिया है 30 अप्रैल तक, और इसके अलावा जो हम लोगों का कुछ ये मशीन को प्रयोग करने के लिए ड्राइवर वगैरह बाहर से मंगवाया गया है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ अनुमति दिया है। लेकिन हम लोग ये भी कहना चाहेंगे, अब जैसे पिछले साल से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं जो पुआल जलाने का, पराली या पुआल जलाने की बात है, तो उस पर राज्य सरकार बहुत गंभीर है, वो नहीं होना चाहिए करके, क्योंकि एक तो पोल्यूशन फैलता है, उसके साथ साथ किसान का वो अपने ही ज़मीन को वो नुकसान भी कर रहा है बिना जाने। तो इसलिए इस बार भी हम लोग जिला पदाधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं कि अपने क्षेत्र में इस पर कड़ी नियंत्रण और कड़ी निगरानी रखा जाए, कोई भी किसान ऐसा फसल अवशेष को यानी पुआल को जलाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ठीक है। इसलिए जैसे कुछ ज़िले हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, पटना, पटना प्रमंडल के ज़िला है खासकर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मशीन का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर ये हम लोगों का अनुमान है कि समस्या ज़्यादा होगा, तो वहाँ के जिलाधिकारियों के द्वारा ये इसको बहुत सख्त कार्रवाई ऑलरेडी करना शुरू कर दिया गया। हम लोग आम जनता को न्यूज़पेपर में और रेडियो जिंगल्स के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि ये फसल अवशेष जलाना गलत है, जलाने से मतलब उन्हीं का खेत का नुकसान हो रही है, ये सब हम लोग बता रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार इस बात पर गंभीर हैं, और कोई भी मतलब इस तरह का फसल अवशेष को जलाएंगे उन पर गंभीर कार्रवाई, ठीक है। बाकी सब तरह का सपोर्ट, जो फसल कटने से लेके बीज, खाद का दुकान हो, बीज का दुकान हो, या कोई भी कृषि यंत्र से संबंधित दुकान हो, वो सब खुलने के लिए कंप्लीट छूट दे दी गई, ठीक है, कंप्लीट छूट दिया हुआ है। और जो हार्वेस्टिंग के बाद यानी फसल कटने के बाद वो अपना गेहूं को बेचना चाहेंगे, तो बाहर के भी कोई व्यक्ति आके यहाँ पर इसको खरीद कर ले जा सकते हैं, वो सबके लिए परमिशन देंगे हम। जैसे जनरली देखा जा रहा है बाहर से लोग मतलब व्यापारी लोग आते हैं और यहाँ पर इसको खरीद कर ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो संबंधित वाहन के लिए हम लोग परमिशन देने का भी कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में भी डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग जिलाधिकारियों को दे दिया गया।
जो कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें कृषि और कृषि से जुड़े कार्य जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन से संबंधित सभी कार्य को एकदम छूट दी गई है, यानी उसको बाहर रखा गया, लॉकडाउन से बाहर रखा, यानी इसको जो नॉर्मल तरीके से कितने भी कृषि से संबंधित काम होता था वो सारा काम जारी रहेगा। तो इसका अर्थ यही है कि सबसे पहला है कि जो अंडा मीट मछली बेचते हैं ऐसे दुकानें खुले रहेंगे, और दूसरा जो पशु पक्षी मछली के लिए चारा दाना का दुकान भी खुले रहेंगे, और वो चारा दाना का ट्रांसपोर्टेशन भी चालू रहेगा, उसको कोई रोक नहीं है। उसी तरह का कोई मतलब पशु या पक्षी या मछली को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई किसान ले जा रहे हैं तो उस पर भी कोई रोक नहीं है, तो ये सब खुला रहेगा। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।